हर जगह वर्ल्ड कप की धूम, शक्तिपीठ श्री नैना देवी में जीत की कामना, भारत की जीत के लिए किया क्या हवन, वर्ल्ड कप जीतकर विश्व विजेता बने, प्रदेश से लाखों श्रद्धालुओं की प्रार्थना। सोलन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि, कार्यक्रम के दौरान तस्वीर पर अर्पित की पुष्पांजलि। धर्मशाला बनेगा बिजली तैयार करने वाला शहर, नगर निगम को सालाना होगी लाखों की आय, बिजली खर्च में होगी कटौती, सरकारी कार्यालयों में लगाए जाएंगे सोलर पैनल, करीब 4.20 करोड़ रुपए होंगे खर्च। चंबा में महिला एवं बाल विकास विभाग लोगों तक पहुंचा रहे सरकारी जनकल्याणकारी योजनाएं, जिससे महिलाओं और बच्चों को मिल रहा योजनाओं का भरपूर लाभ। चंबा में डीसी ने की राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक, अधिकारियों को राजस्व संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने के दिए निर्देश। सोलन माल रूट पर बढ़ती अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या, पुलिस ने कसी नकेल, अवैध रूप से वाहन पार्क करना और रेहड़ी लगाना पड़ेगा महंगा, पुलिस करेगी चालान। हमीरपुर में 3 दिवसीय बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन, आपदा से बचाव के लिए स्कूल के बच्चों ने बनाया बेहतरीन मॉडल, आपदा आने पर अलर्ट करेगा मॉडल। हिमाचल में ओब्रॉयज ग्रुप को बड़ा झटका, होटल वाइल्ड फ्लावर पर सरकार ने किया कब्जा, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सरकार ने की जब्त, हाईकोर्ट ने आदेश पर लिया क्या। मंडी के शार्टी गांव में भारी बारिश के चलते धंसी सड़क, लोगों को हो रही काफी समस्या, ग्रामीणों ने सरकार से क्षतिग्रस्त सड़क को जल्द ठीक कराने की उठाई मांग। सोलन में क्षेत्रीय अस्पताल के बाहर आए दिन लगा रहता है जाम, मरीजों को असुविधा का करना पड़ रहा सामना, मरीजों को सड़क पार करने में भी हो रही समस्या। किन्नौर में पहाड़ों से भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे 5-6 दिनों से अवरुद्ध, वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप, 3 दिन बाद सड़क बहाली की उम्मीद। अग्निपथ योजना के तहत रामपुर में भर्ती रैली शुरू, शिमला और सोलन के 400 से अधिक युवाओं ने भर्ती रैली में लिया हिस्सा, युवाओं में योजना के तहत सेना में भर्ती होने के लिए दिखा गया उत्साह। शिमला विधानसभा सचिवालय पहुंची असम की याचिका समिति, 2 दिनों के हिमाचल दौरे पर 7 सदस्यीय कमेटी, ई विधानसभा प्रणाली को विस्तार से जांच। स्वाराघाट के जकात खाना के पास ईंटों से भरा ट्रक मकान में घुसा, हादसे में जानमाल का नहीं हुआ नुकसान, मौके पर पहुंची पुलिस। सोलन में पुलिस विभाग ने चलाई नशे के खिलाफ विशेष मुहिम, देवघाट में पुलिस ने नशीले कैप्सूल के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार। चंबा में खजुआ पंचायत की बैठक में सचिव के साथ मारपीट का मामला आया सामने, महिला प्रधान के साथ भी किया गया अभद्र व्यवहार। पावटा साहिब में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन का काम, यमुना नदी में खुलेआम जेसीबी और टिप्पर से किया जा रहा खनन। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की हुई बैठक, सीएम सुक्खू ने की बैठक की अध्यक्षता, बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सोलन में बरसात के कारण 54 स्कूल भवनों को पहुंचा नुकसान, सरकार की ओर से बजट आने का इंतजार कर रहा शिक्षा विभाग। शार्टी में भारी बारिश के चलते धंसी सड़क, लोगों को हो रही काफी समस्याएं, सरकार ने ग्रामीणों से दिया आश्वासन, क्षतिग्रस्त सड़क को जल्द ठीक करने की मांग। ओब्रॉय ग्रुप से जुड़ी बड़ी खबर, सरकार के कब्जे पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, कोर्ट ने सेम स्टेटस रखने के दिए आदेश, मंगलवार को अगली सुनवाई। आंगनवाड़ी विभाग के लिए योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए कर रहे प्रयास, जनता के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं ताकि जनता को योजनाओं का मिले लाभ। 11,000 फीट ऊंचाई पर बना मंदिर, शिकारी देवी मंदिर में नहीं मिलती सुविधाएं, मंदिर श्रद्धालुओं ने जताई नाराजगी, प्रशासन ने रजाई की उठाई मांग। पंचायती राज मंत्री ने रिवॉल्विंग फंड की सीएम से की मांग, कर्मचारियों को 2 माह से नहीं मिला वेतन,
राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री के सामने उठाया मुद्दा। रामपुर के अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला मैदान में नहीं बढ़ रही रौनक, किन्नौर मार्केट में इस बार सूखे मेवों के दामों में आई तेजी।